राजधानी दिल्ली में दक्षिण पूर्वी जिले के गोविंदपुरी इलाके में हुई डीटीसी के कार्यरत ड्राइवर की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने मृतक के दो पत्नियों और एक बेटी को गिरफ्तार किया है। दोनों पत्नी और बेटी हत्या की साजिश में शामिल थी और शार्प शूटर के जरिए हत्या को अंजाम दिलवाया था। पूरे मामले में दो शूटर फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। डीसीपी ईशा पांडे ने बताया कि पुलिस को 6 जुलाई को अपनी पत्नी और बेटे के साथ बाइक से घर आ रहे डीटीसी ड्राइवर की गोली मारकर हत्या की सूचना मिली थी। मृतक के पत्नी गीता उर्फ नजमा के शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की थी। वहीं पत्नी बार बार बयान बदल रही थी, साथ ही उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए बताया कि डीटीसी के कर्मचारियों ने संजीव को मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने कालकाजी डिपो के कर्मचारियों से पूछताछ की, जिसके बाद फिर पुलिस ने गीता उर्फ नजमा से पूछताछ की तो उसने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि उसके पति की दो शादियां हुई थी और उसकी पहली पत्नी गीता अपनी दो बेटियों के साथ दक्षिणपुरी में रहती है। साथ ही उसने बताया कि उसके पति का व्यवहार उसके साथ ठीक नहीं था। इसके बाद दोनों पत्नियों ने मिलकर पति की हत्या की साजिश 2-3 साल पहले रची थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मृतक की पहली पत्नी गीता के रूप में हुई है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर NDMC में कार्यरत है। दूसरी पत्नी की पहचान गीता देवी उर्फ नजमा के रूप में हुई है, जिसके साथ मृतक संजीव रहता था। वहीं मृतक की बेटी कोमल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जाँच में जुटी हुई है और दोनों शार्प शूटर की तलाश कर रही है।